सीएम सिटी में बीती रात शहर के विभिन्न मार्गों से करीब 20-25 मोटरसाइकिल सवार बदमाश हुड़दंग मचाते हुए लाइन पार एरिया मान कॉलोनी में पहुंचे और एक घर में तोड़फोड़ की, जिस मामले में तत्परता दिखाते हुए जिला पुलिस द्वारा 12 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। यह जानकारी पुलिस उप अधीक्षक राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस कंट्रोल रूम करनाल में सूचना प्राप्त हुई कि मान कॉलोनी करनाल में काफी संख्या में मोटरसाइकिलों पर सवार हुड़दंगी घुस आए हैं और उनके हाथों में लाठी डंडे तलवार व चाकू जैसे हथियार भी हैं। सूचना मिलते ही प्रबंधक थाना रामनगर करनाल उपनिरीक्षक जसविंदर तुली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक हुड़दंगी वहां से फरार हो चुके थे। वहां पर काफी संख्या में कॉलोनी वासी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलों पर सवार युवक हाथों में हथियार लेकर चिल्लाते हुए हुड़दंगबाजी करते हुए कॉलोनी में घुस आए थे, जिन्होंने कॉलोनी के एक घर को अपना निशाना बनाया। लेकिन गनीमत है कि उस परिवार के लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। इस संबंध में कृष्णा पत्नी ब्रिजमोहन वासी मान कॉलोनी करनाल ने थाना रामनगर में शिकायत दी कि उपरोक्त बदमाश युवकों ने मान कॉलोनी करनाल में स्थित उनके घर पर हमला किया, उस घर को गेट तोड़ दिया और वो उसके बेटे योगेश उर्फ दादू को जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत मिलते ही थाना रामनगर करनाल में विभिन्न धारा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। यह मामला जैसे ही एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया के संज्ञान में आया तो उन्होंने प्रबंधक थाना रामनगर करनाल उप निरीक्षक जसविंदर तुली को आदेश दिए कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, जिस पर कार्यवाही करते हुए प्रबंधक थाना व उनकी टीम ने रात भर की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों की पहचान की और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक करनाल श्री राजीव कुमार ने बताया कि बीती रात मान कॉलोनी करनाल में हुड़दंगबाजी के संबंध में सूचना प्राप्त होने के बाद रामनगर थाना में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा रात भर कार्यवाही करते हुए इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों के कब्जे से पुलिस की टीमों द्वारा वारदात के समय प्रयोग की गई कुल 6 मोटरसाइकिल, 1 तलवार, 1 चाकू और 6 बिंडे बरामद किए गए हैं। आज पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को माननीय अदालत के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी और उस पे कुछ लड़के थे जो बाइकों पे थे, 20-22 के करीब थे, तो वो शहर के कई हिस्सों से होते हुए मान कॉलोनी का उन्होंने रोक किया था और उनके पास लाठी डंडे बिंडे और कमानीदार चाकू और तलवारें वगैरह भी थी और उसके प्रत्यक्षदर्शी काफ़ी लोग भी हैं। तो इन्होंने मान कॉलोनी में आके एक व्यक्ति जिससे इनकी पुरानी एनमिटी थी उसके घर पर तोड़फोड़ करी और उसी के साथ ये अपना मारपीट करने आए थे और उसके बाद ये वहाँ से अपना गायब हो गए थे, भाग गए थे। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, मान कॉलोनी के जो रेजिडेंट हैं उन्होंने सूचना दी, उस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी लोग इनके पीछे थे उनमें से 12 लोगों को रात रात में ही पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और ये शहर के जो रामनगर और सिटी का एरिया है उनके मतलब अलग अलग जैसे शास्त्री कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, इनके वासी हैं और 12 लड़के को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें काफ़ी लड़के ऐसे हैं जो और इन्वॉल्व थे, उनकी भी गिरफ्तारी भी बकाया है एंड आई एम श्योर हम उनको जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। मामला क्या था, पूरा मामला किस वजह का था? ये योगेश उर्फ दादू एक लड़का है, इनकी एक प्रदीप नाम का लड़का हमने अरेस्ट किया है। इसके साथ कोई पुरानी एनमिटी थी, लगभग 1.5-2 महीने पहले भी कोई इनकी बातचीत हुई थी, तो उसी एनमिटी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कल प्लान्ड तरीके से 20-22 व्यक्तियों ने आके मोटरसाइकिल पे उसके साथ मारपीट करने का इनका इरादा था, जो ड्यूरिंग इंटरोगेशन उन्होंने डिस्क्लोज किया है। तो ये सभी योजनाबद्ध तरीके से एक साथ इकट्ठे होकर बाइकों पे वो हल्ला उड़दंग करते हुए यहाँ आए और उसके घर पर तोड़फोड़ करी, वो नहीं मिला और घर पे और भी लोग थे, तो उसके बाद ये उसी नियत से हो हल्ला करते हुए वहाँ से निकल गए हैं। योगेश की सुरक्षा के लिए क्या किया गया? योगेश की सुरक्षा के लिए पुलिस डायरेक्ट उसके टच में है जी, और जो चौकी इंचार्ज वहाँ के लोकल हैं 2-3 और SHO रामनगर, वो उसके डायरेक्ट टच में हैं और उसकी सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए पहला तो पुलिस ने एक्शन, जहाँ पुलिस कार्रवाई कर देती है वहाँ फिर सुरक्षा की बात सेकेंडरी हो जाती है। 12 व्यक्तियों को उसकी सुरक्षा के लिहाज से ही और कानूनी कार्रवाई करते हुए रात रात में 12 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया दिया। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह का ये हल्ला किया है और सारे नौजवान लड़के हैं, इस तरह की कोई भी लॉलेसनेस और होलिगनिज्म किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और
जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको जल्द से जल्द और जो अन्य व्यक्ति बसते हैं उनको गिरफ्तार जल्द से जल्द। प्रदीप डोन क्या काम करता है सर, ये प्रदीप डोन क्या काम करता है और क्या भूमिका इनकी? प्रदीप अभी तक जो मेरे पास अवेलेबल इनपुट है ये प्रदीप है, प्रदीप एंड राजा दो व्यक्ति हैं जिनकी योगेश के साथ कोई अपना पुरानी रंजिश थी। 22-23 साल का नौजवान है और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। दोनों की लगभग सेम एज ग्रुप के हैं, योगेश भी और प्रदीप भी। तो इनकी पुरानी किसी बात को लेकर जैसे जवान तबके में हो जाती है या कोई रंजिश कहा सुनी को लेकर रंजिश हो रही थी, उस बात को ईगो इशू बना के इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और प्रदीप हैज़ बीन अरेस्टेड सो फार। बाकी उसके साथ जो और लोग थे जो बाइक को बेच के इन्होंने इकट्ठे कर रखे थे लोग, उनमें से लगभग 12 व्यक्ति गिरफ्तार। जिस तरह का अपराध है FIR नंबर 60/19 रामनगर थाने में दर्ज की गई है। जो धाराएं हैं मैं गिरोहबंदी जैसे होती है 148-49 323 452 427 506 आर्म्स एक्ट, नाजायज हथियार रखना, गिरोहबंदी करना, योजनाबद्ध तरीके से तोड़फोड़ करना और किसी के घर में घुसना, धमकी देना, ये सारी बातें हैं जो जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। एंड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इनसे एक तलवार है, एक कमानीदार चाकू, 9 जो डंडे बिंडे ये ले रहे थे वो, और 6 मोटरसाइकिलें जो इन्होंने ऑफेंस में यूज़ करी है वो इनसे रिकवर। हमने कितने आरोपी अभी फरार हैं सर जो पकड़ने? अभी इनिशियली जो अपना 20-22 के करीब व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं और जो अभी व्यक्ति हैं वो अभी इनको जुडिशियल रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। तो 12 आगे हैं, बाकी अन्य 8-20 जो अलग अलग हैं, बिकॉज पूरे गैंग में हर कोई हर किसी को जानता ऐसा संभव नहीं है, बट पुलिस थोरो इन्वेस्टिगेशन करके सबको जीरो डाउन करके सभी को गिरफ्तार करेगी। 9-1 विल बी स्पाइड। पूरे शहर में घूमे हैं, गया पीछे। JBD बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye subscribe button par click kar bell icon ko dabaye।